छठ दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला के द्वितीय दिवस के अध्यक्षता कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के विश्वविश्रुत विद्वान तथा ज्योतिष विभाग के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी, जो इस वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के भी वरिष्ठ सदस्य हैं। आपका इस केंद्र की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे बीच वक्ता प्रोफेसर शुक्ल जी का परिचय आप लोगों को पूर्व में ज्ञात हो चुका है। सुशील कुमार गुप्ता जी जो आयोजन सचिव हैं, जिसमें संचालक हैं, तथा उपस्थित सभी का आज ज्योतिष दिवस पर मैं समवेत रूप से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। इस महनीय कार्यक्रम में आज के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी, इनके सम्मान के लिए हम और प्रोफेसर शुक्ल जी को भी सम्मान के लिए अंग वस्त्र और पुष्प माला के साथ आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष जी का स्वागत के बाद अब विलंब न करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य वक्ता प्रोफेसर शुक्ल महाराज। एक छोटी सी कथा है और संस्कृत के सभी विद्यार्थी जानते होंगे, उसको मैं ज्योतिषी भाषा में बताता हूँ, हास्य समझ देखिएगा। एक बार आप सबने पढ़ा होगा कि राजा भोज के दरबार में दरबारी की मृत्यु हो गई, तो उसकी श्रद्धांजलि में सबने कुछ कहा, कालिदास ने जो कुछ कहा उससे भोज अभिभूत हो गए, वाह इतना सुंदर। और मन में विचार आया कि कभी मैं भी मरूंगा, मेरे मरने पे ही कुछ कहेगा, लेकिन मैं तो मर जाऊंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कालिदास ने मेरे लिए क्या कहा श्रद्धांजलि में। दोनों शाम को कालिदास बुलाया, भाई कालिदास संसार नश्वर है? कहा जी प्रभु नश्वर है। एक दिन सभी मरेंगे? यस प्रभु। बोले एक दिन तुम भी मरोगे? हाँ प्रभु बिल्कुल, एक दिन मैं भी मरूंगा। अब बेचारे कालिदास उस समय में राजा के सामने कैसे कहे कि आप मर जाओगे, प्रभु आप ऐसा कह सकते हैं? यानी कर मैंने सब कह दिया और तुम कल्पना करो मैं भी मर गया हूं, तो मेरे मरने पर मेरी श्रद्धांजलि में तुम क्या कहोगे अभी तो? अब बेचारे कालिदास चुप हो गए। फिर प्रभु देखिए ये बात भावना की होती है, मन में भाव उठना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकता कि नहीं तुम मन में भाव लाओ और मुझे अभी बताओ कि मेरी मृत्यु होने तुम क्या पढ़ोगे। कालिदास भी हमारे त्रिपाठी श्री के थे स्वाभिमान वाले, उनका अगर ऐसी बात है मैं अभी त्याग पत्र देता हूँ। त्याग पत्र दिया, वहां से चले गए। एक दो दिन गुजर गया कोई बात नहीं, चौथे पांचवे दिन भोज को परेशानी होने लगी। उस समय पर राजा हर एक से अपनी बात कर नहीं पाता था, किसी किसी से भी बात कह पाता था। कालिदास परम मित्र थे, दोनों बिना किसी कहे पांचवे दिन भोज ने वेश बदला और वो ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते 20-25 किलोमीटर दूर के किसी एक गांव में छोटे में कालिदास कथा सुना रहे थे। भोज जाके बैठ गए, फिर देखा कैसे बताओ कि नया आदमी आया है और जानबूझ के हलचल की और आपने पता नहीं कि क्या हुआ। अरे धारा नदी 3 दिन से बंद है, क्या हुआ? अरे आप पता नहीं राजा भोज दिवंगत हो गए। कालिदास ने सुना बड़ा झटका लगा और बेहोश हो गए, दुख के मारे। बेचारे ने कहा था मैंने सुना नहीं। भोज गए स्वयं, पानी छिड़का और कालिदास होश में आए। होश में आते जिन्होंने कहा आप सबने पढ़ा होगा संस्कृत विद्यार्थी है, मैं केवल ज्योतिषी रूप दे रहा हूँ उसको। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगत। भोज ने सुना इतनी सुंदर बात मेरे कहेगा, वो बेहोश हो गए। अब कालिदास उनपे पानी छिड़का, दोनों में तो उठे गले मिले और भोज ने कहा भाई बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा था लेकिन मैं सुनते बेहोश हो गया, एक बार फिर से पढ़ो। तो कालिदास ने कहा महाराज जब एक बार पढ़ दिया है तो 100 बार पढ़ूंगा, क्या दिक्कत है। अब उन्हें दोहरा पढ़ा उसी श्लोक को, अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती पंडित मंडित सर्वे
भोज राजे भंग सामने बैठे हुए, तो भोज ने कहा ये क्या कर दिया तुमने? कि महाराज बुद्ध वक्री चल रहा था पहले, सब शासन टूटा हुआ था, अब मार्गी हो गया है। कल जो हमने चर्चा कर चुके थे दशाक्रम की और हमारे ये चिन्ह कैसे बने और भगवान शिव नवग्रह के प्रतीक कैसे हैं, इतनी चर्चा हम लोग कल कर चुके थे, आज के आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कल मैंने कहा था कि वैदिक काल में पहला नक्षत्र होता था हमारा कृतिका, अब आजकल होता है अश्विनी। ये कालक्रम से कुछ हुआ है और कुछ अंग्रेजी भाषा का भी दोष है, जैसे पढ़ते गए हम लोग छूटते गए। अभी भी देखेंगे जो देव नक्षत्र हैं वो कहा गया कृतिका प्रथमे विशाखे उत्तमे, उसमें कोई संदेह नहीं कि देव नक्षत्र कृतिका से प्रारंभ होकर के और विशाखा यानी राधा पर समाप्त होते हैं। विशाखा का पुराना नाम राधा था, अब विशाखा कहने लगे हम लोग हैं, पूरा नाम राधा है, तो ध्यान रखिएगा। और यम नक्षत्र कहा अनुराधा प्रथमे अब भरणी उत्तमम, जिसको आजकल हम लोग भरणी बोलते हैं, इसको उस समय पर अब भरणी कहा जाता था। और ये दूसरी विशेषता है कि अगर हम पुराने साहित्य से अपना संबंध तोड़ लेंगे तो अर्थ बदल जाएंगे, भरणी का अर्थ कुछ और है और अपभरणी अर्थ कुछ और बदल जाता है। ऐसे ही जब आप राधा कहते हैं एक समृद्धि का वृद्धि का प्रतीक होता है, और विशाखा कहते हैं वाली बात नहीं होती। और मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन एक संस्कृत विशेषज्ञ मिले मुझे कहीं, और कहीं धनिष्ठा की चर्चा हो रही थी, पता नहीं कैसे उनके मन में आया, बोले धन इष्टा, जिसमें धन आए उसकी इष्टा हो जाए। जब लेक्चर समाप्त हुआ मैंने हाजिर किया, प्रभु आप तो PhD है संस्कृत में, ये बताइए धन प्लस इष्टा ये धनिष्ठा कैसे हुआ, ये किस तरीके से हुआ? केवल फिट कर दिया आपने, वहां हमने बोला नहीं आपको, अगर आप ध्यान दिया होता इसका पूरा नाम तो सर्विष्ठा था, और जब सर्विष्ठा लगाएंगे तो इसके गुण और दोष अपने आप सामने आ जाएंगे, और जब तक धनिष्ठा कहते रहेंगे अर्थ अधूरा ही रहेगा। तो ये अत्यंत आवश्यक है, जब कभी भी हम संस्कृत पढ़ें ज्योतिष जानने का प्रयास करें तो ये प्रयास जरूर करें कि इसके पुराने नाम क्या थे, कैसे थे और क्यों ऐसे हुए। मेरे ख्याल से एक बार जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर आने के लिए आप यम नक्षत्रों से थोड़ा परिचय करने अच्छा रहेगा, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, कि अनुराधा को अनुराधा क्यों कहा गया। जब देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले देवताओं ने सोचा कि हमें अपने आप को सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित कर लेना चाहिए, समृद्ध कर लेना चाहिए। और जिस नक्षत्र में ये अवधारणा बनी उसका नाम पड़ा अनुराधा, और यहां से यम नक्षत्र प्रारंभ होते हैं। और ज्योतिष की प्रत्येक विधा के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप सभी यम नक्षत्रों को जान लें, अगर नहीं जानेंगे तो बात नहीं। आपके सामने बोर्ड पे आ रहा होगा, आखिर तक सबको विजिबल है, अन्वेषाम अराधम इति तद अनुराधा, आपने भी अनुराधा कर दिया, शेयर अनुराधा कर दिया, चलिए अब मानते हैं। तो ये पहला यम नक्षत्र आया कि जब देवताओं ने सोचा कि बिना अनुकूल सामग्री के युद्ध नहीं हो पाएगा, तो वो नाम पर अनुराधा, और अनुराधा वो पहला नक्षत्र है जहां से अव्यक्त की यात्रा प्रारंभ होती है। अव्यक्त की यात्रा, प्रत्येक प्राणी अव्यक्त से आ रहा है, व्यक्त में रहता है थोड़े समय, फिर अव्यक्त में चला जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए आप व्यक्त संसार में रहेंगे, पुनः अव्यक्त में जाएंगे। तो अव्यक्त का संसार जहां से प्रारंभ हो रहा है उसका पहला नक्षत्र अनुराधा, और इसीलिए अनुराधा की बड़ी विशेषताएं हैं। अगर समय रहा इसी कार्यशाला में छठे दिन इसको चर्चा करेंगे, अभी इससे स्लाइटली प्रीमैच्योर, लेकिन अभी के लिए है आप इसका नाम जान लें अनुराधा है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं अगर अवसर मिला तो छठे दिन चर्चा करेंगे हम लोग, अनुराधा अनुराधा क्यों है। अभी इतना काफी है, जो राधा को फॉलो करे वो अनुराधा है, राधा के बाद में आने वाला नक्षत्र यानी विशाखा की बाद वाला नक्षत्र अनुराधा है, इसलिए अनुराधा है। अगला नक्षत्र देखिए ज्येष्ठा, फिर ये सोचा अगर ज्येष्ठ असुर को मारने से युद्ध टल सकता है तो टाल दिया जाए, और वृत्तासुर के वध की जो इसमें योजना बनी, ज्येष्ठाम ऐशाम अवध अस्मि इति तत् ज्येष्ठाग्नि, तो पुराना नाम था ज्येष्ठाग्नि, अब हम ज्येष्ठा बनते हैं, ये भी जानना आवश्यक है, इसे पुराना नाम ज्येष्ठाग्नि है। और यहीं से ये अवधारणा आई कि बड़ा खतरनाक नक्षत्र है, ये मूल नक्षत्रों वाली बात है, ज्येष्ठा भी जुड़ जाता है, उसका कारण यही है, इसी नक्षत्र में ये अवधारणा बनी कि
हमें वृत्तासुर को मारना ही होगा और उसका जो वध अल्टीमेटली कर ही दिया गया। नेक्स्ट, मूलम एशाम वृक्षाम, पूरा पूरा समूल नाश करिए, इति तथ मूल बरहणी। तो इसका दूसरा नोट कर लें, इसका पुराना नाम था मूल बरहणी, आजकल हम सिर्फ मूल का काम चला लेते, मूल या मूला। तो चूंकि समूल नाश करने की योजना बनी, इसी कारण से मूल शब्द के बारे में इतनी विशेषताएं आ गई आपके सामने। तो यह हुआ जाकर हमारा तीसरा यम नक्षत्र। आगे चलिए, इन्ना असहंत तल साढ़ा, एक ही नाम रखा था नक्षत्र का, आषाढ़ा, और काल क्रम से इसको मैं पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ में विभाजित कर दो बना दिए इसको, लेकिन ओरिजिनली दोनों को एक ही पार्ट में कहा गया था। तो ये जानना भी आवश्यक है, एक ही नाम था आषाढ़ा, आज पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ करके दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो पहले ये जानना आवश्यक है कि ये विशेषता क्या इसकी है, यानी जिसमें असुरों को देवों का आक्रमण असह हुआ वो आषाढ़। पूर्वा और उत्तरा इसके दो भाग बाद करेंगे, लेकिन इसके एक तात्पर्य बड़ा क्लियर है कि जब पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आएगा, और बाय द वे आज नहीं बता पाऊंगा, पूर्वाषाढ़ अतिवर्ती नक्षत्र है, चार नक्षत्र हमारे अतिवर्ती होते, नाम नोट कर लें आप, अगर समय मिला तो बाद में बताऊंगा। ये सभी नक्षत्रों से भिन्न है, आद्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ और उत्तराभाद्रपद। रिपीट करूंगा, आद्रा पहला, हस्त दूसरा, पूर्वाषाढ़ तीसरा और उत्तराभाद्रपद चौथा। ये चार नक्षत्र हैं जिनको अतिवर्ती नक्षत्र कहा गया है, ये सभी नक्षत्रों से भिन्न फल देने वाले हैं। क्यों है, अगर अवसर मिला तो पांचवें छठे दिन चर्चा कर लेंगे तो, आज कितना काफी है, ये चारों से अलग है बाकी 27 से, कहने को आप 28 कर सकते हैं अगर अभी जोड़ेंगे, अगर अभी छोड़ देंगे केवल 27 रह गए, उन 27 में इन चार का विशेष स्थान है। कारण क्या है, ये आती है श्रृंखला को तोड़ते हैं और कोई नई चीज जोड़ते हैं। तो जब जब ये चार नक्षत्र आएंगे तो कोई चीज टूटेगी, कुछ नई इसमें जुड़ेगी। जैसे कि यानी आज छोड़ देता हूँ, फिर कल करेंगे, भी आज ही से पूरी चर्चा हो जाएगी तो आनंद ही आएगा। आज इतना जान लीजिए कि ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, अतिवर्ती नक्षत्र है, और अगर नेट पे जाएंगे मेरे नाम सर्च करेंगे आपको उसमें डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट, यत अश्रोणत तत् श्रोणा। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पुराना नाम क्या था, श्रोणा, जिसमें देवों ने संगठित होकर बहुत प्रहार किए वो श्रोणा कहलाई, और आजकल श्रोणा को आप लोग श्रवण के नाम से जानते हैं। तो ये भी जब पुराना नाम जानेंगे तो उसके गुणों और दोषों से स्वयं परिचित हो जाएंगे, जैसे जैसे पुराने आप उसके निकट जाते जाएंगे केवल शब्द मात्र से जान जाएंगे इसकी विशेषता क्या है। और जब तक केवल आजकल कहेंगे श्रवण से माने होता है सुनना, और इसमें क्या गया, प्रहार हुआ, अंतर आ गया। तो जब कभी भी प्रश्न लगाते हैं और उसमें श्रवण नक्षत्र आता है तो इसके तात्पर्य होता है कोई ना कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल होने वाली है, आप पे कोई अटैक करने वाला है, कोई समस्या आने वाली। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आता है, आप भी प्रश्नवली बनाई और श्रवण आ गया, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं भाई कोई प्रॉब्लम इज अबाउट टू कम, बी केयरफुल, समबडी इज प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट यू, दैट मे हिट यू वेरी हार्ड। लेकिन ये तब जान पाएंगे अगर आप इसके पुराने नाम से जुड़ेंगे, नए नाम से चलेंगे, जो अंग्रेजी से होते होते परिवर्तित आज पहुंच गया है, पहले उर्दू ने परिवर्तित किया फिर अंग्रेजी ने, तो आज हमारे पास जो भी साहित्य है काफी भटका हुआ, हमारे पुराने पुस्तकालय जला दिए गए, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। अब जो भी छन के आ रहा है उससे काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे तैतरी ब्राह्मण है, अगर उसको पढ़ेंगे तो पता लगे पुराना नाम तो ये था। जब पुराना नाम जानेंगे तो उसका फल भी जान जाएंगे, फिर समस्या नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट, यत अश्रुणोत तत्श्रविष्ठा। अब वही जब ने कहा था जिसमें जिसको आप धनिष्ठा बोल दिया है, जैसे अब जानेंगे श्रविष्ठा है, अर्थ बदल जाता है। असुरों ने, ध्यान दीजिएगा, जिस नक्षत्र में देवों के आक्षेप सुने वो श्रविष्ठा है। अब इससे क्या तात्पर्य हुआ, अगर मान लिया आप कहीं प्रश्न कुंडली बना रहे और नक्षत्र आ गया श्रविष्ठा, तो सिर्फ एक पता लग रहा है, क्यों, असुरों ने सुने, कोई आपके खिलाफ एनॉनिमस कंप्लेंट डालेगा, असर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सुना किसने, असुरों ने, देवों नहीं। हम मान चलते हैं जब कुंडली बना रहे हैं कि जो क्लाइंट आप सामने बैठा हुआ है देव है,
जो आप पास आया है आप भी देव कैटेगरी के, वही देव कैटेगरी का है। तो ये जब मान के चलेंगे तो तात्पर्य यह हुआ कि आक्षेप तो असुरों ने सुने, देवों ने नहीं सुने। तो कोई आपके खिलाफ फ्रिवोलस कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश कर रहा है जो कामयाब नहीं होगी। केवल ऐसी चीज है जो सुनना पड़ी। तो इसका सिंपल तात्पर्य यहाँ आया है, श्रवण में नहीं था, सर्वनिष्ठा में है। लेकिन सर्वनिष्ठा को धनिष्ठा कहते हैं, इसलिए उसका अर्थ बदल जाता है। नेक्स्ट, यत शतम अभिसर्जन तत शत विषक। तो जिस नक्षत्र में देवों ने असुरों द्वारा दिए गए 100 प्रहारों का भेषज किया वो शत विषक है। तो पुराना नाम शत विषक और आज का नाम हो गया शत विषा। कितना बड़ा अंतर आ गया नाम से ही। तो ये इससे भी सिद्ध हुआ कि चूंकि भेषज कराया, लाभ हुआ, तो सत विषा में अगर आपकी चोट लगी है जल्दी ठीक होगी, इलाज करा रहे हैं जल्दी ठीक होगा। तो केवल डिफिनेशन मात्र से ही आपको पता लग रहा है, जिसके लिए ज्यादा दिमाग जोर डाले जरूरत नहीं। अगर आप इनके नाम ही याद रहे तो कभी भी ज्योतिष करने बैठेंगे तो फल क्या होगा बिना दिमाग जोर डाले पता लग जाएगा। अगला जाइए। पोष प्रदेश उदयछंत, जिसमें आयुधों को पुनः उद्यत किया गया है, वो पृष्ठपदा या आज का भाद्रपद और फिर पूर्वा और उत्तरा दो में बदल जाएगा। और जिसे का उत्तरा मैंने बताया था, इसमें अतिवर्ती है, पूर्वा नहीं है। इस नक्षत्र के दो पार्ट हुए, पूर्वा और उत्तरा। उत्तरा भाद्रपद हमारा अतिवर्ती नक्षत्र है, पूर्वा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें दूसरी खासियत क्या है, इसमें आयुधों को पुनः उद्यत किया गया। तो समथिंग यू आर ट्राइंग टू डू अगेन, तैयारी दोबारा कर रहे हैं, अगेन दूसरा अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, और उसमें सक्सीड होंगे। कोई बच्चा आता है प्रश्न लेने के लिए, मैं सिविल सर्विस में बैठने जा रहा हूँ, पिछली बार फेल हो गया था, आपने लगाया और मेन नक्षत्र आया है, प्रश्न आप बेहचक कह दिए बेटा आपकी तुम काम, थोड़ी मेहनत और करो सचिन दिस टाइम, क्योंकि उसमें आ ही रहा है, आयुधों को पुनः उद्यत किया। और नेक्स्ट रिजल्ट आपको मालूम है, देवास्व संग्राम में देवताओं की विजय हुई। तो ये नाम ही काफी बताने के लिए कि रिजल्ट क्या आएगा। नेक्स्ट, रेवती अमरवंत। ये जो रवरव शब्द है, आज भी अगर देखें आप ये टाइकोंडो के या कराटे के जो अटैक करते हैं, लोग बहुत जोर की आवाज करते हैं, तो जब रवरव की ध्वनि है ये पहले समय चली आ रही है। और जब रवरव में भी आनंद ले, उसका नाम पड़ा रावण। और आप भी रामलीला देखते हो, रावण बड़ा अट्टहास न करे, रावण नकली लगता है, बेशक असली हो, लेकिन असली रावण तभी लगता है जब जोर से अट्टहास करे। तो रव रव में जो आनंद बोधक ना लगाया तो रावण बना। तो वही शब्द यहाँ पे देवताओं ने भी उस रव रव के आनंद के साथ अटैक किया। और इसका दूसरा तात्पर्य हुआ, अभी हुआ कुछ नहीं, शोर बहुत मच रहा है, केवल साउंड है, एक्चुअल कुछ नहीं हो रहा अभी, अभी केवल शब्द किया जा रहा है। तो रेवती शब्द से तात्पर्य हो गया केवल शोर, रियल बात नहीं है, दिखा जाएगा, अभी केवल हंगामा हो रहा है। नेक्स्ट, अश्वयुजः युजन्ति। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, गया जिसमें अश्वों को रथ में पुनः जोता वो अश्वयुज या अश्विनी है। तो जो बात पहले आई थी तैयारी वाली बात, वही यहां पर तैयारी के बाद दोबारा आ गई, फाइनल प्रिपरेशन बिफोर अटैक। अश्विनी इस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और अभी ये अंतिम नहीं हुआ, इसको हमने आजकल पहला बना दिया है कालक्रम से, लेकिन ये यम नक्षत्रों में ही है और ये पीछे ही है। नेक्स्ट, अपभरणीश अपवहन, सॉरी अपभरणीश अपावहन, जिसमें प्राणों का अपहरण हुआ वो अपभरणी कहलाई। तो जिसमें असुरों के प्राणों का अपहरण हो गया, फिनिश कर दिया गया उनको, वो कहलाई अपभरणी। और यहां पर हमारे यम नक्षत्र समाप्त हो जाते हैं। ये क्यों मैंने बताया, अगर आप कालपुरुष को द्वारा देखें बना करके, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे आप। एक कालपुरुष लगा दिए भाई, लगा दिया नहीं, ये जो चित्र बना इसको हटा दो उसको, ये इसका हम द्वारा प्रयोग करेंगे जब आपको समझाऊंगा रेट्रोग्रेशन क्या होता है, कि ग्रह वक्री कैसे होते हैं, उसमें भी इसका रोल है यम नक्षत्रों का।
बिना यम नक्षत्रों को समझे हुए ग्रहों के वक्रत्व को आप समझ नहीं सकते, लेकिन ये कहानी भी तीसरे चौथे लेक्चर में करेंगे। अभी देख लीजिए केवल आप इसमें सिंह राशि दिखाई गई है और उससे सभी यम नक्षत्र दिखाए गए हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर सूर्य को रख दीजिए और ग्रहों की जो आउटर प्लेनेट हैं मंगल बृहस्पति शनि उनके अगर वक्रत्व ध्यान देंगे तो आप पता लगे कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन इसकी कहानी कभी आगे चल करके। अभी तो कालपुरुष लगाइए और उसमें यम नक्षत्र दिखाइए, उन्हें यम और देव नक्षत्र। एक भगवद गीता का श्लोक है मुझे बहुत प्रिय है और मैं एक क्लासे ले रहा था, 5 साल तक लगा था मैंने श्लोक बोला और वो श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ, फिर उन्हें छोड़ दिया कि इसको मैं पूरा नहीं कर सकता इस जीवन में। इसके अंदर इतने ज्योतिषीय अर्थ भरे हुए हैं इस अकेले एक श्लोक के अंदर। भले श्लोक लगा दो, आप सबने पढ़ा होगा, भगवद गीता पढ़े हुए हैं, हम सभी ज्ञानी हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि सभी प्राणी अव्यक्त से आ रहे हैं, व्यक्त में रहेंगे और पुनः अव्यक्त में चले जाएंगे। और इसी एक श्लोक से कि मंगल की चौथी दृष्टि क्यों है, आठवीं क्यों है, बृहस्पति की पांचवीं क्यों है, नवीं क्यों है, मैं आपको बताऊंगा, अवसर लगा तो आज नहीं तो कल या परसों। शनि की तीसरी दृष्टि क्यों है, आप ज्योतिष कितने ग्रंथ पढ़ लीजिए एक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, रैशनल नहीं मिलता है, ऐसा है तो क्यों है, वैज्ञानिक तरीके कैसे समझा जाए कि शनि की तीसरी दृष्टि होनी चाहिए या उसकी दसवीं भी होनी चाहिए, साथ ही सभी देख रहे सामने कॉमन है, जो विशेष दृष्टियां हैं ये क्यों है, क्या कारण है, रैशनल क्या है उसका, कहीं नहीं मिलता, कम से मुझे नहीं मिला, हो सकता जीवन मिल गया हो किसी मैनुस्क्रिप्ट में, मुझे केवल इस एक श्लोक मिला है कि मंगल की बृहस्पति की शनि की विशेष दृष्टियां होनी चाहिए और इस प्रकार से होंगी तीसरी चौथी और पांचवी और आठवीं नवी दसवीं। वो बर्तनी का मिस्टेक है उसको इन्होंने संधि विच्छेद कर लिखा हुआ है, निदानी एव तत्र का प्रयोग, इन्होंने ये चाहा था कि पढ़ने में कष्ट नहीं होने पाए, ओरिजिनल लिखा इन्होंने। ये हमारा कायदा है कि जहाँ बोले जाते हैं संधि विच्छेद के लिखते ताकि जो पीछे तक बैठा हुआ है जो संस्कृत विशेषज्ञ नहीं वही समझ सके। आप देखा होगा ये जो डिफिनेशन आ रही है पहले ओरिजिनल आता था नीचे उसका संधि विच्छेद, तात्पर्य यही है कि जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे तब जान जाएंगे कहा क्या जा रहा है, अन्यथा जो विशेषज्ञ जान जाएंगे मुस्कुरा देंगे और बाकी जगह हुआ क्या है। और मुझको चूंकि नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट और यहाँ से लेके विदेशों बोलना होता है तो वहाँ पे अत्यंत आवश्यक है, खासतौर जब वो अंग्रेज सुन रहे होते हैं उनको आप संधि विच्छेद बताइए वो फौरन अप्रिशिएट करते हैं और पूरा एक साथ पढ़ दिया क्या कर दिया आपने। एनीवे ये आज का मुद्दा नहीं है और भाषा की गलती हो जाए काइंडली एक्सक्यूज कि हम यहाँ ज्योतिष चर्चा करेंगे भाषा की नहीं, उसके लिए बड़े विशेष से बैठे वो बात कर लेंगे। हम केवल और केवल उतनी ही संस्कृत प्रयोग करें जो ज्योतिष के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना आप समझ नहीं सकते। तो इसके कहे तात्पर्य अभी कविता समझिए कि हर एक प्राणी को अव्यक्त से आना है, व्यक्त में रहना है और पुनः अव्यक्त में ही जाना है। अब इसमें आ जाइए इस जन्म कुंडली के ऊपर। पहला हाउस आप सभी पढ़ते होंगे जन्म होता है और आठवां मृत्यु का होता है, सबको मालूम है, सभी ज्योतिष विद्यार्थी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पर हम नक्षत्रों को प्लॉट करते हैं, लगा दो नक्षत्र लगा गया। आप देखेंगे इसमें प्रथम घर में कृतिका के एक चरण आएगा और बाकी तीन चरण से उधर चलाएगा, तो ये पहला यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों के बीच का एक रास्ता है, दोनों जोड़ रही है कृतिका के माध्यम से व्यक्त और अव्यक्त दोनों जुड़ रहे हैं और आखिर में यहाँ पहुंचेंगे तो विशाखा के माध्यम से या राधा के माध्यम से व्यक्त और अव्यक्त दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों का संधि काल है ये, इसीलिए इस पर एक लाइन खींच दी गई है। अब ये नक्षत्र देख लीजिए पहले, ये पूरे 27 नक्षत्र आपके आ गए यहां पर। और इनके माध्यम देखेंगे कि जो नवांश जो आ रहा है इसका मेष राशि का, वहां से कृतिका प्रारंभ हो रही है और वृश्चिक के जहां पर ये पहला अंश आएगा इसका यहां पर ये समाप्त हो जाएगी।
नीचे आपको नहीं, चार पांच चौथा गया ना, बस चौथा शब्द आ गया। ये चार लिखा है जो इन्होंने विशाखा का चौथा चरण, लेकिन आगे पांच फिर गड़बड़ कर दिया लिख करके, फिर आगे एक दो तीन चार आना चाहिए था। संख्या में इनकी गड़बड़ी हो रही है, इसके क्षमा चाहता हूँ आपसे, ये लिखने गलती होगी इनसे। ऊपर सही लिखा था इन्होंने, लिखे आगे पूरा संख्या करने के लिए गड़बड़ कर दिया इन्होंने। आप प्रत्येक सब जानते हैं नौ नौ चरण होते हैं प्रत्येक राशि में, तो इसमें विशाखा का चौथा चरण आएगा, तीन उसमें काम राशि में रह जाएंगे। ये बड़ी अद्भुत सी बात है कि बृहस्पति जो देवों का भी गुरु है, उसके तीन चरण आते हैं काम राशि में और चौथा आता है मोक्ष राशि में। अद्भुत सी बात है, होना उल्टा चाहिए था, मगर ऐसा है जो है उसको देख रहे हैं, इसको हटा दी गई, गलत बन गया आपके, हटा इसको सब गलत सलत कर दिया इसमें। हाँ इसी में रुके रहिए आप, तो इसमें वापस आया देखिए कि प्रथम जो जन्म है ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों का संगम है। उसी तरीके वृश्चिक राशि भी जहाँ पे मृत्यु दिखाई गई है, यहाँ पर भी जन्म और मृत्यु दोनों का संगम हो रहा है। और कल जब लोग बैठे थे तो सुना होगा, मुझे बताया था कि मरते समय कैसे आदमी को अपने पूरे जीवन का स्मरण हो जाता है और वो पूरा याद करता है बताता है। और मैंने बताया था चार पांच केसेस जो मैंने खुद जिनका मैं आई विटनेस हूँ, उसे टोटल तो 200 केसेस मेरे पास है जिनके मैं डाइंग डिप्रेशन रिकॉर्ड किए हैं। एक अद्भुत मुझे अवसर मिला और उसमें भी अद्भुत था, मुझे जो बड़े डेडेड क्रिमिनल थे रंगा और बिल्ला, जो उनका डिसीशन था मरने से पहले जिससे चर्चा हुई वो अद्भुत है, लेकिन आज को नहीं सुनाऊंगा, कल या परसों मौका आने पर, लेकिन वो अद्भुत है। ऐसे ही मकबूल भट्ट जिससे करीब 100 मर्डर किए होंगे, पाकिस्तानी स्पाई था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आदमी था, किसी से नहीं डरता था, लेकिन जब मृत्यु सामने आ गई, क्या उसकी मनासिब थी, क्या मेरी इसकी चर्चा हुई पूरी रात, इसको सुनाऊंगा, उससे आप समझेंगे कि ग्रहों की कितना इंपॉर्टेंस होती है। एक पहले समझिए, जब भी किसी की मृत्यु होने वाली होती है, अकाल मृत्यु हो या सकाल मृत्यु हो, कैसी भी मृत्यु हो, ये मेरा अपना अनुभव देखा हुआ, सबसे पहले एक सिग्नल उसके हार्ट पे आ जाता है। इवन इफ आप एक्सीडेंट मरने वाले, तब भी हार्ट पे सिग्नल आ जाता है पहले से ही, एक अजीब सी बेचैनी उसके हृदय में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि सन गेट्स एक्टिवेटेड, उसको सिग्नल आता है आप समय आ गया है इस शरीर को छोड़ने का। तो पंचम राशि पहुंचे जहां पे सूर्य की अपनी महत्वपूर्ण राशि है, तो पहला सिग्नल वहां पे आया। उस सिग्नल के आते ही नेक्स्ट राशि है, वहां पे कौन है, बुध और शुक्र। बुध की उच्च की राशि है और शुक्र की नीच की राशि है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। मैंने कई बार देखा है कि पहले पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, धीरे धीरे पूरा शरीर ठंडा होता चला जाता है और सभी इंद्रियां बिल्कुल काम करना बंद करती है, लेकिन बुद्धि उसी समय पर प्रखर हो जाती है और विवेक पूरी लाइफ उसके साथ स्कैन करना शुरू करता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसीलिए अद्भुत संरचना है, एक ही घर है, इंद्रियां नीच की हो रही, शुक्र नीच का है और बुध उच्च का है, यानी माइंड सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है क्या क्या हुआ। जैसे मैंने कल बताया था, उस लेडी ने पहले एक स्टेटमेंट दिया और फिर उसको चेंज किया और कहा उसे कि मुझे पूरा जीवन साफ दिख रहा है आंखों के सामने और मुझे लग रहा मैंने ये गलत किया है जिसको मैं जोर से चिल्ला रही थी, या दूसरे वो सज्जन लगातार कि मैं सही हूँ, कोर्ट ने फैसला उनके फेवर किया, लेकिन जब उनकी अपनी कोर्ट लगी मृत्यु के टाइम पर तो उन्होंने खुद कहा मेरे सामने नहीं मैं गलत था। तो ये अद्भुत चीज होती है कि जैसे ही इंद्रियां काम करना बंद करती, शुक्र नीच का होता है और बुद्ध उच्च का होता है, अपने अंदर से बुद्धि कहती है मैंने ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। जिस बात के लिए पूरे जीवन आप लड़ते रहते हैं मैं सही हूँ मैं सही हूँ, अंतिम क्षण में खुद कहता नहीं ये गलत था। तो ये हमारा छठा घर हो गया, बुद्ध उच्च का है और शुक्र नीच का है, इंद्रियां बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। जैसे ही बुद्ध ने पूरी लाइफ स्कैन की, अगले घर में आ जाइए, यहां पर क्या होता, सूर्य नीच का हो गया और शनि उच्च का हो गया। अद्भुत, क्यों, आत्मा उसी क्षण शरीर छोड़ देती है, लेकिन शनि महाराज जो कुछ आपके पुराना लेखा जो कथा बुद्ध का बनाया हुआ उसको अपने पास रख लेते हैं, ठीक अब समय आ गया है आपके ऋणान बंधन तैयार करने का, इनके माध्यम से आपके जन्म जन्मांतर के ऋणान बंधन को मैं तैयार करूंगा। और फिर अगला घर आता है, यहाँ पर चंद्रमा भी नीच का हो जाता है और इसी पता लगता है कि सबसे अंत में चंद्रमा यानी कि मन शरीर छोड़ता है। अक्सर हमें बताया जाता है कि हमारे केवल तीन शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, लेकिन थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे पुराने शास्त्रों में तो मिलता हमें 10 शरीर है
और 10 शरीरों को जोड़ेंगे आप, तब आप पता लगेगा ज्योतिष क्या कहना चाहती है और ये चंद्रमा अष्टम में ही क्यों नीच का हो रहा है। यानी अष्टम में आके चंद्रमा ने शरीर को छोड़ा, मन को मन ने छोड़ा, क्यों ऐसा होता है, इसका कारण होगा जब आप पूरे पूरे 10 शरीरों को स्कैन करें एक बार में। अच्छी लगा सकते 10 बॉडीज, 2 मिनट दीजिए मुझे, क्यों 3 शरीर तो सबने बार बार पढ़े होंगे आई एम श्योर, लेकिन 10 शरीर भी शायद किसी ने देखे हों। तो ये पहला स्थूल शरीर सभी जानते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। सूक्ष्म शरीर से भी सभी वाकिफ है, मैं इसके कोई चर्चा नहीं करूंगा, कारण शरीर की चर्चा भी नहीं करूंगा। अब आता हूँ भाव शरीर पर, और ये भाव शरीर वो शरीर है जो सबसे अंत में शरीर छोड़कर जाता है, वरना शरीर से भटकता रहता है। और जो हम लोग कपाल क्रिया कराते हैं, शरीर को भस्मीभूत कराते हैं, उसका कारण ये होता है कि भाव शरीर भी शरीर को छोड़े। इसकी चर्चा लास्ट में करूंगा, पर बाकी कर लूंगा यार, आगे तुम भाव शरीर से नीचे ले जाना। अगला होता है ज्ञान शरीर। आप कभी किसी नर्सरी क्लास में जाइए, आप देखें कोई बच्चा ड्राइंग इंटरेस्ट ले रहा है, छोटे बच्चे 2.5 साल 3 साल के, कोई बच्चा किसी को तोड़ रहा है, तोड़ जोड़ रहा है, दैट मीन्स का ब्रेन मैकेनिकल है। कुछ बच्चा संगीत पे कोशिश कर रहा है, कुछ किताबें पलट के देख रहा है, ये सब क्यों होता है? जो जो विद्याएं हम पढ़ते रहते हैं इस जन्म में, वो अगले जन्म हमारे साथ रहती है, सिर्फ उनको एक्सपोज करना होता है। हमारे साथ में है, दबी रखी हुई है, हमें बोध नहीं हो रहा उसका, अचेतन मन में कहीं कहीं पर है। मुझे छोटी कहानी याद आ रही है कि किसी गांव के बाहर एक बड़ी वैल्यूबल जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर किसी फकीर का कब्जा था, भिखारी का। लोग सोचते कभी मरेगा और कब इसके इस टीलियों को ले करके हम लोग खोद खाद करके गांव मिला ले इसको, लेकिन वो भिखारी बैठा हुआ कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जैसा होता है, भिखारी बड़े ही दुर्गति प्राप्त होता रहा, एक दिन उसने शरीर छोड़ दिया। तो गाँव वालों ने पहले तो शरीर ले जा करके प्रवाह किया, उस नदी में जल प्रवाह हुआ और आके फौरन ही बाहर सामान जलाया और उस टीले को खोदना शुरू किया और सबके सब चकित हो गए। उसके अंदर 3 बड़े बड़े मटके रखे हुए थे, बहुमूल्य रत्नों से भरे हुए। तो देखो ये इसी पे बैठा रहा पूरे जीवन भर और इसको ही पता नहीं किया कि इसके अंदर है। अगर वस्तुता देखा जाए, हमारी आप सबकी कहानी है कि हमारे अंदर क्या क्या हमारे अचेतन भरा हुआ है और हमको बोध नहीं उसका है। जिस दिन प्योरली हम ज्योतिष ढंग से देखते हैं, किसी और की अपनी कुंडली मत देखिएगा, दूसरी कुंडली लगाइएगा। एक छोटी सी कहानी और है, ये मैं प्रत्येक अपने ज्योतिष सेशन सुनाता हूँ प्रारंभ में। इसमें 2 मैसेज बड़े क्लियर होते हैं, वो दोनों सुनाता हूँ आपको। इस प्रकार कथा है कि जब ऋषि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, उनकी कन्या विवाह योग्य हुई तो बड़ा परेशान हुआ, क्या करूँ, इसकी कुंडली की चर्चा कैसे हो, मैं स्वयं देखूंगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं स्वयं देखूंगा नहीं, शिष्यों को दिखाऊंगा नहीं, फिर कौन देखे। बहुत विचार करके वो गए शुक्राचार्य के पास और कुंडली रख दी सामने कि भाई हमारी तुम्हारी थोड़ी सी वैचारिक मतभेद है, लेकिन भी कन्या का प्रश्न है और कन्या सबकी साझा होती है, ये कुंडली देख लो इसकी। शुक्राचार्य पुराना रोल खोला एक एक करके, ऐसे जो पुरानी कुंडली होती देखा होगा, अब तो नहीं होती, अब तो कंप्यूटराइज है, बुक बन के आ जाती सामने, वो पुरानी थी पूरी बुक खोली उन्होंने एक एक करके और फिर लपेट कर दी वापस। बृहस्पति बड़े निराश हुए कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम कुछ कहोगे नहीं और मैं खुद देखूंगा नहीं तो कैसे दिखे। शुक्राचार्य ने कहा, बड़ी लंबी सांस ले गए, भाई कुंडली तो मैंने देख ली है, ये कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, फलादेश देना नहीं चाहता हूँ। उन्हें क्यों, कि इसके तो ऐसा लिखा हुआ है कि इसका विवाह की प्रथम रात्रि जैसे ही वर कन्या के पास आएगा, कहीं से बड़ा नागराज आएगा, उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, कन्या विधवा हो जाएगी, विवाह से पूरी विधवा हो जाएगी, मैरिज कंज्यूमेट नहीं होगी। तो मेरी तो राय यह है इसका विवाह ही मत करो, कम से कम रहे किस घर में, कि उस जमाने में विधवाज कन्या बहुत बड़ा दोष माना जाता था। जो षड दोष बनाए गए इसमें यह भी है, आपने सुना होगा, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम च क्रोध मुखी भार्या, मैं आजकल नहीं लागू होता, प्लीज इसको काट दीजिएगा, मैंने कह दिया लेकिन आप काट दीजिएगा। विधवाज कन्या मूर्ख से पुत्रो बिना निषण प्रधान कायम, ये 6 चीजें ऐसी है बिना अग्नि के शरीर को जलाती रहती है, तो मैं 5 ही कर रहा हूँ, 6 मैंने नहीं कहा भाई, मुझे घर जाना है आखिरकार। तो उसमें कन्या का विधवा होना उस समय पर बहुत बुरा मानते थे, तो आप विवाह मत करिए। बृहस्पति निराश होकर घर आ गए और सोचने कि मेरे घर कितने खराब है, मैंने पूरे जीवन अब तक का सिर्फ धर्म के लिए लगाया है, इतना बड़ा मेरे को कैसे आक्षेप आ सकता है। बहुत सोच करके उन्होंने अच्छा वर देखा और कन्या की बात तय कर दिया और एक ही शर्त लगाई, जस्ट वन कंडीशन,
कि विवाह के बाद एक महीने तक वर मेरे घर में रहेगा। उन्होंने मान लिया ठीक है, और उन्होंने विशेष कमरा बनवाया, ये छोटा सा होल था जिसके द्वारा कमरे का पूरा दृश्य देख सके स्वयं। कन्या बैठा दिया गया और स्वयं बृहस्पति बैठ गए देखने के लिए क्या होता है। जैसे वर अंदर आया, उसने दरवाजा पीछे भिड़ा, ऊपर से नाक गिरा, उसने फन उठाया, उसके पैर के पास तक लाया धीरे और मुड़कर चला गया। बृहस्पति उसी समय दौड़ गए शुक्राचार्य घर कि तुम्हारी सब ज्योतिष व्यर्थ है। कि क्यों? तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई। शुक्राचार्य ने हाथ ऊपर उठाया कि प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद, केवल मेरी ज्योतिष सफल हुई। वो कैसे भाई, तुम्हारी बात तो झूठ हो गई। झूठ कहा हुई, हम ज्योतिष में क्या पढ़ाते हैं कि जिस घर को बृहस्पति देख रहा है उसकी रक्षा होगी, और यहां साक्षात बृहस्पति देख रहे थे। जब मैंने कहा था तभी थोड़े सोचा था कि कन्या के पिता होकर तुम उसको देखोगे बैठ करके, यही सोचा था। लेकिन नियम तो सिद्ध हो गया, जिस घर को बृहस्पति देख रहा है उसकी रक्षा होगी। तो यह कहानी इसलिए बताता दो बातों की, एक अपनी अपने परिवार की कुंडली स्वयं मत देखो, पड़ोसी दिखा लो, और नंबर दो जिस घर को भी बृहस्पति पूर्ण दृष्टि देख रहा है उसकी रक्षा अवश्य होगी, निश्चित हो जाएगी। अब वापस पे आते हैं, तो ये ज्ञान शरीर था। तो जो भी ज्ञान हम अर्जित करते रहते हैं वो अचेतन में स्टोर रहता है, उसको खाली ओपन करने की जरूरत है। जब भी कोई सुयोग्य गुरु मिल जाएगा शास्त्रीय तरीका, एक झटके कुंडली बताए कि ये साधना करो, ये परिहार करो, और सब कुछ सामने आ जाएगा। तो सामने लाना है, ढका हुआ है, खुलने की जरूरत है। कहते हिरण मैंने पाते न सत्य अभितम मुखम तत्तम पूषण अपाव सत्य धर्माय दृष्टि। जैसे ही पर्दा हटाओगे सब सामने आ जाएगा। तो कोई योग्य गुरु चाहिए बताने के लिए कि आपका ये ज्ञान उपलब्ध है। अगला है हमारा मंत्र शरीर। कई जन्मों से हम बहुत से मंत्रों से साधना करते रहे ईश्वर की, लेकिन होता क्या है, हर बार गुरु बदलता है, मंत्र बदलता है, और फल पूरा नहीं होता। एक अगर आज की भाषा का उदाहरण दूं मैं, आपने कहीं मकान बनाना है, एक प्लॉट खरीदा, ड्राइंग बनवाई उसकी, म्यूनिसिपैलिटी से उसका नक्शा पास कराया और खुदाई शुरू कराई, और नींव भर पाए थे कि आपको जगह छोड़कर जाना पड़ा। अगर 5-10 बार दोबारा आते हैं उसी शहर में, अगर उसी स्थान जाते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, लेकिन अगर स्थान बदल गया तो फिर से खुदाई कराइए, फिर से नक्शा पास कराइए, और कौन जानता है फिर से पहले काम हो, समय पूरा हो जाए। तो इसलिए योग्य गुरु का काम होता है आपकी कुंडली देखे और ये बताए कि आपने पिछले बहुत सारे जन्मों में इस देवता की आराधना की, नंबर वन, और नंबर टू इस मंत्र से आराधना की। अगर दोनों चीजें मिल जाए तो आपका मंत्र से जागृत हो जाएगा और तत्क्षण आपको फल मिलने लगेगा, क्योंकि चीज स्टोर्ड में है आपके, कहीं गई हुई नहीं है, उपलब्ध है आपको, सिर्फ सामने लाने की जरूरत है। कोई योग्य गुरु चाहिए जो आपकी हालतों को ढंग से विश्लेषण करके, उसमें एक समस्या आजकल ये भी आ रही है कि आजकल जब हमारे पास घड़ियां हैं कुंडली गलत बनती है। पुराने जमाने घड़ियां नहीं थी, कुंडली गलत नहीं होती थी। कारण क्या होता था कि बाहर बैठा हुआ जिनका कुल गुरु होता था वो पूछता था पहला प्रश्न कि उस प्रसूत के ग्रह में कितनी महिलाएं थी। आप किसी के यहाँ 5 होगी, 7 होगी, 3 होगी, तो बताएंगे इतनी महिलाएं थी, उसने नोट कर लिया। दूसरा प्रश्न, किस प्रकार के किस रंग के वस्त्र पहने हुए थे, आप या सभी लाल साड़ी वाली थी या नीली वाली थी, जो भी था उसने कलर नोट कर लिया। उस कमरे का दरवाजा किस तरफ था, आप बताया पूर्व था, पश्चिम था, जिसे रहो उसने नोट कर लिया। तीसरा पॉइंट, उसका जो पलंग पड़ा हुआ था ईस्ट वेस्ट था, नॉर्थ साउथ था, कैसा था या वेस्ट ईस्ट था, आप बता दिया, उसने नोट कर लिया। इनको इन्हीं कंपोनेंट दे करके, फिर अप्रॉक्सिमेटली घड़ी पल होते थे उनको दे करके, उसे आपका लग्न और नमाज दोनों फिक्स करते, जिसमें सभी चीजें मिल जाएंगी, मैच करेंगी, उससे लग्न नमाज सप्तमांश और द्वादश में पूरा हाथ खत बना लेते थे, और कभी कोई त्रुटि नहीं होती थी, उनके 4 पद तक सही गणना होती थी। आजकल जब बढ़िया घड़ियां हैं तो उसमें क्या होता है, फिर डॉक्टर ने ऑपरेट कराया कि सबका सीजरिन हो आजकल, प्लस अंदर वो जो नर्स है सभी सफेद कपड़े वाले हैं, तो वो खत्म हो गया, सबकी बेड की पोजिशन वही है, सभी हॉस्पिटल में है। तो जो कंपोनेंट पहले अवेलेबल थे कुंडली को करेक्ट करने वाले, अब हमको उपलब्ध नहीं है। रिजल्ट, अब जो अच्छी कुंडली होनी चाहिए तो विज्ञान धोखा दे रहा है, आज कल भी दिया आज भी दे रहा था। तो जितना हम विज्ञान पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं उतनी ही त्रुटियां आती जा रही हैं। पुराने जमाने में ये भी साधन नहीं थे, कोई गलती नहीं होती। मैंने गांव के जो ज्योतिषी देखे पुराने, उनकी गणना में कभी कोई गलती नहीं पाई, भविष्यवाणी गलती नहीं पाई। और आज इतने वर्षों साधना के बाद
डॉक्टर रमन के चरणों में इतने सालों रहने के बाद भी मैं ये क्लेम नहीं कर सका जो कहूँ सही होगा। और डॉक्टर रमन के जो दादाजी थे डॉक्टर सूर्यनारायण, वो जो कहते सही होता था, उनकी जो उपलब्धि उनसे बड़ी थी। कारण क्या था, वो बिल्कुल मॉडर्न गैजेट्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। डॉक्टर रमन थोड़ा सा है और हम लोग और आगे बढ़ गए। अब हारोस्कोप से कुंडली बना फटा डला कंप्यूटर में कुंडली बन के आ गई। उस जमाने वहाँ से बनाते थे, विचार करते थे। तो जैसे जैसे हम यंत्रों पर आधारित होते रहे उतनी हमारी शक्तियाँ सीमित होती जा रही। तो ये हुआ हमारा मंत्र शरीर। नेक्स्ट वन सिद्ध शरीर। सिद्ध शरीर की विशेषता क्या होती है कि जब जब आप मंत्रों की साधना काफ़ी कर चुके होते हैं कई जन्मों में, तो आपके अंदर एक चीज जागृत, इसको आप बोलते हैं इंट्यूशन। इसका इंट्यूशन हो रहा है इसको, या मुझे ऐसा आभास हो रहा है। ये सबके अंदर है सिद्ध शरीर, ये सबका सोया हुआ है। जब कहीं कोई योगी गुरु मिल जाता है, या आप स्वयं साधना करते हैं, या अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो आपका सिद्ध शरीर काम करने लगता है। अन्यथा अब तो नहीं हो रहा, लेकिन आज से 50 वर्ष पूर्व मैंने स्वयं देखा है। 50 वर्ष से पहले भी है, लेकिन उसके बाद घटनाएं कम होती गई। कि पता है दिन में कोई आदमी बहुत बेचैन है, लोग उसको सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं, खाना खाए अच्छा नहीं लग रहा है, और रात को सोता है कि मेरे चाचा है, पिता है, माँ है, कोई कोई बहुत बीमार है, अब मुझे याद करें। और सुबह तक टेलीग्राम आ जाता था, ही सिख प्लीज कम। आप सबने सुनी घटनाएं, अब नहीं होती। कारण क्या था, पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बीच में नहीं था। जो आदमी शरीर छोड़ रहा है, पूरी अंतरात्मा जिसको याद कर रहा है, उसके अचेतन के वाइब्रेशन आपके अचेतन पहुंच रहे हैं, टकरा रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब अचेतन का एक ही साधन है, आप सो गए, अचेतन ने स्वप्न अवस्था में उचित दिखा दी, कहना था आपको अपनी बेचैनी का उत्तर मिल गया, और प्रातःकाल टेलीग्राम आके उसने पुष्टि कर दी उसकी। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने सिद्ध शरीर को जागृत किया हुआ है, पिछले जन्मों की साधना सफल हो रही है, वो अभी भी आप मन के बता सके ये होने वाला है। तो जैसे जैसे हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, और कुंडली इसका बड़ा स्पष्ट संकेत होता है, इस आदमी के अंदर इंट्यूशन होगा, एक नहीं होगा, इसका सिद्ध शरीर जागृत है, इसका नहीं जागृत है। नेक्स्ट वन इज बैंदव शरीर, द डायनेमिक फोर्स इन मैन, एनिमल फोर्स इन मैन। कभी कोई बड़ा पार्श्विक घटनाएं होती सुनते होंगे, तो जिनका ये बैंदव शरीर जागृत हो जाता है, वो ऐसे पार्श्विक कर्म कर डालते हैं। एंड नाइन्थ इज लिंग शरीर। लिंग इज पहचान, आइडेंटिफिकेशन, मेल है या फीमेल है। और कभी कभी जब नेचर पनिश करना होता है, दिस लिंग शरीर मिसिंग, द रिजल्ट इज वो क्या बोलते हैं, LGBTQ समथिंग बोलते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग सब जानते होंगे। तो वो रिजल्ट होता है दैट इज लिंग शरीर मिसिंग। प्रकृति इसको दंड देना चाहती किसी बात का, तो लिंग शरीर मिसिंग है। अन्यथा लिंग शरीर केवल एक ही काम है, स्त्री या पुरुष की पहचान। और अगला है हंस शरीर, जो सभी शरीरों को जोड़े रहता है, एक ही फंक्शन है। और इसीलिए कहा गया है जो इसको जान जाते हैं वो हंस या फिर परमहंस हो जाते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने पूरे शरीर 10 के 10 को जान लिया और कंट्रोल कर लिया, तो परमहंस कहलाए। अभी भी हंस बाबा हैं, देवराव बाबा के शिष्य, और भी कई लोग हैं। तो जो 10 शरीरों को जान जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, वो सभी हंस या परमहंस हो जाते हैं। और जब कभी अंतिम समय आता है, हंस शरीर इसको काम को छोड़, अदरवाइज मूलाधार से सहस्रार की यात्रा करता रहता है, अप डाउन आपके प्राणवायु के साथ में आना जाना लगा रहता है उसका। और जैसे उसने ये फंक्शन छोड़ा, कबीर कहते हैं हंस अकेला जाई रहे, जैसे उसने अकेला हुआ, सबसे अलग हुआ, किनारे शरीर सब डिसेंडर। और लास्ट वन टू लीव द बॉडी इज भाव शरीर। जब सब चले जाते हैं, भाव तब तो भी वेट करता है, और वेट करता है, जब देखते तो कोई साथी नहीं बचा और इस शरीर से कोई नाता नहीं रह गया, इसको भस्मीभूत कर दिया गया है, अब कोई जरिया नहीं है, तब वो छोड़ता है लास्ट में। और कभी कभी ये भाव शरीर मिसिंग होता है, आप ऐसे आदमी मिलेंगे जिनके चेहरे कोई भाव आता ही नहीं है, ना हंसने का ना रोने का। या एक और पहचान है, आप कभी एयरपोर्ट पे रेलवे स्टेशन बैठे हुए, आप पास कोई आदमी बैठा, उससे बात करने मन नहीं करता, और एक आदमी से बड़ी इच्छा होती, मिलते ही पहली मुलाकात बातचीत होना शुरू हो गई। सर इससे ये पता लगता है कि आपके भाव शरीर में उसके भाव शरीर में पॉजिटिव बैलेंस है। पिछले जन्मों में हमारा आपका जब साथ छूटा, उस समय तक हमारा आपका एक इमोशनल पॉजिटिव बैलेंस था, उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर शत्रुता रही पिछले कई जन्मों की, हम जानते नहीं आदमी अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, कारण है हमारे भाव शरीर में टकराव हो रहा है, हम इसको बैठ ही नहीं सकते, ये जानते नहीं, क्यों अचेतन से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इसी चीज को जो कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक कहा है, लोग कहते ना कि आत्मा ने शरीर छोड़ अकेली चली गई,
कृष्ण ऐसा नहीं होगा। मवे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना सष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करशति। जीवात्मा मन के माध्यम से पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस शरीर पे कंट्रोल लगता है, और जब कभी शरीर छोड़ने का अवसर आता है, शरीरम यदि वाप्नोति यत चप उत्क्रामत ईश्वरः ग्रहित्वा एतानि संयादि वायु गंधानि आशयात्। जिस प्रकार से वायु गंध के स्थान गंध लेकर चली आती है, पुष्प को डिस्टर्ब नहीं करती, उसी प्रकार से आत्मा शरीर जब छोड़ती है तो सुख शरीर के साथ मन और पांचों ज्ञानेंद्रिय लेके चलाता है। ये हमारा संबंध था पिछले शरीरों से। अगर ये संबंध छूट जाए तो कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई करेक्शन नहीं पिछले जन्म से कि आत्मा तो निर्विकार है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये ज्योतिष बेस्ड इसी बात पे है कि अगले जो जन्म हो रहा है उसमें मन के माध्यम से पिछले जन्म जुड़े हुए हैं, मन हित कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर मन को हटा दिए फिर कोई कारण ही नहीं है बंधन का, मोक्ष का, जितने भी सुख दुख हैं मन के कारण से। और चंद्रमा मन सो जाता है, इसलिए चंद्रमा माध्यम से। कई बार आपसे ज्योतिष नए विद्यार्थियों को कोई प्रश्न करेगा कि आप विंशोत्तरी को चंद्रमा से ही कैलकुलेट क्यों करते हैं, प्रश्न हो सकता है ना कि चंद्रमा ही क्यों। यजुर्वेद में इसका बड़ा क्लियर निर्देश मिलता है, आप उसको नोट कर ले। अगर आपसे पूछे आप बता सकेंगे कि हम मन के चंद्रमा के माध्यम से ही दशाएं कैलकुलेट क्यों करते हैं, या गोचर को चंद्रमा से क्यों देखते हैं आप। बहुत ही सुंदर इतने भूतम जो भव्यम चा मनोजगाम दुर्गम तत्तयावर्तयाम छाया जीव से। ये तेरा मन ही है जो भूत और भविष्य में जाने में समर्थ है, इसलिए है जीव हम इसको तुझको देते हैं। यानी इस मन के माध्यम से, यानी चंद्रमा के माध्यम से आप भूतकाल को भविष्य काल को जान सकते हैं। यानी अगर भविष्य जानना है, गोचर को जानना है, तो माध्यम एक और केवल एक है, वो है चंद्रमा। और चूंकि वेद का कथन है इसलिए कोई डाउट करने की बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहा है, वेद ने कहा है इसको, वो सर्वोपरि है। तो इसलिए विंशोत्ति दशा हो अथवा गोचर हो अथवा कोई कब जाते हैं पूजा में पूछेंगे आपका नक्षत्र क्या है, और नक्षत्र क्या जिसपे चंद्रमा बैठा हुआ, उस नक्षत्र नाम वो आपका आपका नक्षत्र हुआ। तो कारण ये उस नक्षत्र के माध्यम से ही आप अपने को जानते हैं। आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है ये चंद्रमा का नक्षत्र। ये आजकल आप पासपोर्ट या आधार कार्ड लेकर चलते हैं, तो हमारा आधार कार्ड ज्योतिष का है आपका चंद्रमा का नक्षत्र। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है। तो जिनको अपना जन्म नक्षत्र नहीं मालूम है उनको न अपना गोचर मालूम है न ये मालूम। अब दोबारा बेसिक पे आते हैं इसके बाद में, और भगवत गीता के एक विशेषता बता दूं आपको। भगवत गीता में जब भी किसी ने पहली बार मुख खोला है तो एक प्रश्न किया है और उसका उत्तर मांगा हाथ के हाथ। ये धृतराष्ट्र पहले प्रश्न किया, आपने समझ सुना होगा, किम अकुर्वत संजय, संजय बताना शुरू कर दिया। अर्जुन ने प्रश्न किया, कृष्ण बोले, लेकिन कृष्ण भी प्रश्न किया है, प्रश्न किया अध्याय दो के श्लोक दो में, उत्तर मांगा 18वें अध्याय के 72वें श्लोक, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रश्न को रिपीट करते हैं 18वें अध्याय में। वैसे 98 ये हटाओगे कहां पहुंचा दिया, प्रश्न करते हैं अध्याय दो के दूसरे श्लोक में और उत्तर मांगते हैं 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में। अद्भुत चीज है, और इन दोनों प्रश्नों के बीच में पूरी भगवत गीता समाई हुई है। अगर आपने दो प्रश्न समझ लिए, ज्योतिष समझ लिया आपने और भगवत गीता भी समझ ली, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और ज्योतिष की प्रामाणिकता भी इसी से आ जाएगी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये, कुतस्तु आकस्मल इदम। भाई सब ये संधि विच्छेद कर रखा है शास्त्री जी, संदेह मत करिएगा। अब जब किसी कोई बात करें इसको, भाई हमने कुछ कहा भाई इसमें क्या होगा, तो उसको मौका दे बोलने का, उसको मौका नहीं बोलने का, कि उनको मालूम था कि ये अभी बोलने में सक्षम नहीं है। इसके पीछे एक और कथा है, उसको आज नहीं सुनाऊंगा, उसको रिजर्व करता हूँ कल या परसों के लिए, आज नहीं। तो पहला सवाल आता है कुतात्वा, क्यों, किस लिए विश्लेषण। और आपने कल बताया था विश्लेषण करने का एक ही ग्रह करता है, वह बुध। तो सबसे पहले भगवान ने बुध ग्रह को स्मरण किया, इसमें पहला आ गया बुध। कश्मल इदम, तेरे मन में मोह क्यों आया है, और बता चुका हूं चंद्रमा मन से। तो दूसरा ग्रह भगवान ने जिक्र किया वो आ गया चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा। विषमय संवस्तम, कठिन समय है,
काल अकाल समय समय इसका एक ही स्वामी है, वो है शनि। तो तीसरा का इसका भगवान ने जिक्र किया वो शनि। तो सिस्टमेटिकली बुध चंद्रमा और शनि, ये ऑर्डर ऐसा क्यों है, इसकी भी कारण है, इसको भी छठे या सातवें अवसर में बताऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डीप है। इसके पीछे एक थ्योरी आती है अनुरक्त ग्रह की, कि वो आपके पिछले जन्म में अनुरक्त किस ग्रह में थी, जिसको मैंने नाम दिया सेंट्रल प्लेनेट प्रीवियस लाइफ, वो कौन सा ग्रह है जो आप इमीडिएटली पास्ट लाइफ जोड़ रहा है, उसकी थ्योरी भगवान से बताई हुई है। और इसी कारण से ये ग्रह इस क्रम में आ रहे हैं, बुध चंद्रमा और फिर शनि। अनार्य सिस्टम, ये आर्यों का कार्य नहीं है। आर्य कहते इसके काम में दक्षता हो, कुशलता हो, अनार्य उसका उल्टा हो गया। और आज भी इसका अपभ्रंश बोलते हैं अनाड़ी, सुना होगा, जिसको कुछ काम नहीं आता उसको बोलते अनाड़ी आदमी है। तो भगवान ने भी कहा है तू अनाड़ियों से काम कर रहा है। तो कार्य की कुशलता पुरुषार्थ एक ही ग्रह देता है, उसका नाम है मंगल, पुरुषार्थ का प्रतीक। अस्वर्गम, भोग की प्राप्ति नहीं होगी। आप सभी जानते भोग की प्राप्ति कौन ग्रह देता है, शुक्र, ठीक। अकीर्ति कर्म, कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी, और कीर्ति का ग्रह आ गया सूर्य। तो आप ध्यान देखिए, भगवान ने छह ग्रह गिना दिए हैं, एक ग्रह रोक लिया है। ये अकारण नहीं हुआ है, बड़ा सिस्टमेटिक है। गीता में कोई भी चीज अकारण नहीं है। मैं एक छोटी घटना सुनाऊंगा, एक बार मैं कहीं से बोल रहा था, मैंने कहा कि भगवत गीता में अर्जुन को चुना इसलिए गया है कि उसके मन में बहुत शंकाएं थी, और हम सभी अर्जुन हैं, और जितने मनुष्य अब तक हुए हैं, जितने आगे होंगे, उनके मन में जो भी शंका हो सकती है, भगवत गीता में उसका उत्तर और प्रश्न दोनों दिए हुए हैं। यानी भगवत गीता भी खोलिए, जो श्लोक सामने आ जाए उस श्लोक के अंदर आपका प्रश्न उत्तर दोनों होंगे। तो एक सज्जन बैठे हुए सामने, थोड़े से रैशनलिस्ट थे, उन्होंने बोले मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और इसका उत्तर मैं गारंटी लेता हूँ भगवत गीता में नहीं होगा, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। मैंने ऐसा करिए, आप अपना प्रश्न लिख के रख दीजिए और भगवत गीता खोलते हैं सबके सामने। उन्होंने प्रश्न लिख के रख दिया सबके सामने और भगवत गीता मेरे पास थी, दिन में खोली। संयोग की बात थी, अध्याय 10 श्लोक 34 खुल गया। आपने पढ़ा होगा कि मृत्यु से ह्रास्य हम, मैं सभी की मृत्यु का कारण हूँ, उद्वश भविष्यताम, और सबके जन्म का कारण भी मैं ही हूँ। अगली लाइन बड़ी अद्भुत है, कीर्ति श्री वाका नारी नाम स्पिन मेधा धृति क्षमा, और नारियों में इन गुणों के साथ स्थित हूँ। अब बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक तरफ जन्म और मृत्यु की बात हो रही और दूसरे नारियों के गुण, और ये अकेला ऐसा श्लोक भगवद गीता का जिनको ज्योतिष नहीं आती इसका समझ नहीं सकते कभी। आप देखिए कमेटी, लेकिन मेरा दावा है सबने इसके केवल भावार्थ दिया है, व्याख्या नहीं की इसकी, क्योंकि जो व्याख्या कर सकते हो, जिनको ज्योतिष आती है उनको ये फील्ड में इंटरेस्ट नहीं, और जिसको इसमें इंटरेस्ट है उधर इंटरेस्ट नहीं। जब तक दोनों को मिलाएंगे नहीं इसकी पूरी व्याख्या बनेगी नहीं। जब ज्योतिष लगाएंगे तब पता लगे भगवान ने स्त्रियों के गुण इसमें क्यों गिनाए। देखिए इसकी चर्चा भी छठे में रिजर्व रखता हूँ। मैंने कहा अपना प्रश्न दिखाइए, उनका प्रश्न था क्या मुझे अपने बेटे के लिए गुणवती बहू मिलेगी। भगवान आपका प्रश्न तो दोनों इसमें आ गया है। अब वो सोच रहे थे भगवत गीता में जहाँ जन्म की मृत्यु की बात है वहां पर कभी स्त्री गुणों की बात कहाँ से आएगी, हो ही नहीं सकता है। नास्तिक थे, विश्वास पूरा नहीं थे, गलती सभा में आ गए। तो पहला अपने ऐसा क्वेश्चन ढूंढा था जिसका उत्तर इसमें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर भी भगवत गीता में मिल गया। तो ऐसी कोई चीज के अंदर नहीं जो ऐसे ही आ गई बाय द वे, हर चीज सिस्टमेटिक है। तो इसमें जो ग्रह छोड़ दिया है भगवान ने उसका नाम है, आपने शायद नोट किया नहीं कि अब तक सातवां ग्रह कौन छोड़ दिया है, गुरु, बृहस्पति नहीं, गुरु छोड़ दिया है। तुझे गुरु कह तो रहा है, मेरे पास आ तो गया है कि शादी माम तो प्रसन्न प्रबन्ना, कि मैं आपके शरण में, मुझे शिक्षा दो। लेकिन क्या गुरु मान रहे हो? अगर गुरु मान रहे हो तो ये कैसे कहोगे नहीं उससे युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप गुरु के पहुंच गए तो निर्णय कौन करेगा, आप करेंगे गुरु करेगा, फिर गुरु ही करेगा ना। तो अगर आपने गुरु के पहुंच करके भी अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है तो आए क्यों? इसलिए भगवान ने इसका उत्तर यहाँ नहीं मांगा। अब 18वां श्लोक देखिए, फिर वापस पे आएंगे 72वां। अभी इसके अंदर कुछ बातें और रह गई ज्योतिष की। गुप्ता जी बता दी कहा, गुप्ता जी कहा, हाँ गुप्ता जी आज कितना समय रहेगा? अभी नहीं है कितना बताइए, इस पर कल गड़बड़ कर दिया आपने। क्यों अभी शास्त्री जी को बोलना, मैंने सुनना इनको, क्वेश्चन आंसर कितना टाइम रखेंगे मैं इसके हिसाब से अपने एडजस्ट कर दूंगा। क्यों मैंने बताया मेरे पास 300 घंटे समय है, मैं बोलता रहूंगा 300 घंटे बोलिस कर।
उसका शास्त्री सुन लो मैं, या शास्त्री सुने क्वेश्चन बंद कर लेंगे। अब ये सुनिए कितना अद्भुत श्लोक, अब वही बात कही, कच्चित एतत् श्रुतम् पार्थ तो ही एकाग्रेण चेष्टा। क्या तुमने मेरी बात ढंग से सुनी है या एक कान से दूसरे निकाल दी? क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी सुन तो रहा होता है कि अंदर बात नहीं आती है। कि ये कोई शास्त्री सरीखे कोई ज्ञानी यदि बोल रहे थे, उनका कृष्ण जब बोलते थे तो वाणी इतना माधुर्य था, उनकी बांसुरी सुन के सूखे पर हरे हो जाते थे। तो कोई नास्तिक खड़ा हो गया मेरा सरीखे, उसने कहा फिर तो उनकी बांसुरी बज रही होगी, तो प्रभास बन गई होगी। उनका नहीं बेटा, नहीं बनी। कारण यह था उस बांसुरी स्वर यहाँ से जाता बाहर निकल जाता, जैसे मेरी बात तेरी इस कान में आ रही इसे निकल रही है। अगर अंदर टिकेगी तो फल होगा ना, अंदर टिक नहीं रही है तो जब तक बात अंदर रुकेगी नहीं फल नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने कहा तो एकाग्रण चेसा, क्या ध्यान सुना है, कच्चित अज्ञान सम्मोहा। यहाँ दो बातें कही थी, बुद्ध और चंद्रमा, फिर वही बुद्ध और चंद्रमा, कच्चित अज्ञान सम्मोहा पनष्टाते धनंजय, क्या नष्ट हो गया। और अब उत्तर देता है अर्जुन, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, यानी चंद्रमा ठीक काम करने लगा मेरा, स्मृति लब्धा, बुद्ध भी ठीक हो गया। लेकिन अब की बारे मैंने कुछ नहीं किया, अब वो जो ग्रह मिसिंग था वहां पर वो अब आ गया। तो प्रसाद आत्मचित, ये आपकी करुणा थी, आपकी कृपा थी, गुरु की कृपा से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। स्थितो गत संदेहा, हम स्थित किस लिए, करिष्ये वचनम तब, आप जो कहेंगे वो करूँ, अपनी बुद्धि बंद करता हूँ। और गीता स्टॉप्स, इसके आगे भगवान ने गीता फिर कुछ नहीं कहा, बात खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि प्राइमरली अगर बुध में और चंद्रमा में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसको केवल एक ही ग्रह ठीक कर सकता है, और वो है गुरु। तो अगर आप कोई कुंडली देख रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, समस्या आ रही है, समस्या का कारण बुध है या चंद्रमा है, अगर उस पर बृहस्पति दृष्टि पड़ रही है किसी तरीके से, वो समस्या अवश्य ठीक होगी, कोई डाउट नहीं है। या दूसरी भाषा में कहा जाए, जो छह ग्रह दिखाए भगवान ने, उनमें जिस चीज का संबंध बृहस्पति से होता जाता है, बृहस्पति के उस जो भी डिफिशिएंसी है उसको पूरा कर देता है, जो भी इसके अंदर कहीं पर भी कुछ तत्व की कमी है वो सब की सब बृहस्पति के माध्यम से ठीक हो जाती है। अगर बृहस्पति मिसिंग है, बाकी छह हैं, ये छह ग्रह अपूर्ण है, इनमें पूर्णता आएगी ही गुरु की कृपा से, गुरु की करुणा से। कुंडली के गुरु हो और कुंडली गुरु ना साक्षात गुरु बैठे शास्त्रीय तरीके, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन गुरु की कृपा तो चाहिए चाहिए, बिना गुरु कृपा की बात आगे बढ़ती नहीं है। तो ये पहला मैसेज दिया भगवदगीता में भगवान ने कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेट टू नोट द हॉरोस्कोप इज जुपिटर, उसका प्लेसमेंट क्या है और उसका संबंध हमारे अनुरक्त ग्रह से क्या बना, इसकी चर्चा मैं भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों, अनुरक्त ग्रह दिखाएगा कि पिछले जन्म के से कौन कौन से ऋण बंधन है जो इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। क्योंकि इसमें मैं कल या परसों समय मिलेगा तो प्रारंभ वही करूंगा। एक सज्जन थे, उनकी मृत्यु हो गई और करीब 5 मिनट तक बॉडी डेड पड़ी रही और उनको मार्चशीट भेज रहे थे। उस टाइम पे एक यंग इंटर्न आया और उसने दोबारा से शॉक दिया और जीवित हो गए। जबकि डॉक्टर का 5 मिनट होंगे ब्रेन डेड हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, बट ही सर्वाइव्ड। और उन्होंने होश में आने के बाद अच्छे ज्योतिषी वैद्य में उन्होंने ज्योतिषी जो विश्लेषण किया अपना और मुझे सुनाया फर्स्ट हैंड कि मैंने क्या क्या देखा मृत्यु के बाद और कैसे कैसे क्या देखा, और जो उनका अद्भुत विश्लेषण अपनी कुंडली का मैंने चर्चा की वो अद्भुत है। लेकिन एक दिन पूरा चाहिए मुझके लिए कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, सुना बहुत सारा आता, लेकिन ऐसा कोई आदमी, और उनके साथ ऐसा 2 बार हुआ, मतलब एक सही बार संयोग नहीं हुआ, एक बार मरे रिवाइव हो गए, नेक्स्ट टाइम फिर हुआ अगेन डिक्लेयर डेट एंड ही रिवाइव, और दोनों बार जो देखा है अद्भुत, और दोनों बार उन्होंने जो भगवान की बात है संदेश को पुष्ट किया उन्होंने कि किस प्रकार से मरने के बाद सभी ग्रहों को क्या इम्पैक्ट आता है, आदमी क्या देखता है मरने के बाद। कल जो मैंने किसे सुनाए थे मरने से पहले के थे, ये घटना मरने के बाद की है, जब शरीर छोड़ दिया फिर उन्होंने क्या देखा, क्या क्या अनुभव हुआ उनको, और जब वापस आया तब क्या हुआ। तो वो 5 मिनट के जो दृश्य है उनका अद्भुत है, और उसको उनकी कुंडली से जोड़ूंगा तो आप कहेंगे वाकई ज्योतिष जानने का अर्थ ये है कि जब आपने पूरा देखा कि ज्योतिष में ये शब्द है, कि उन पे एक बड़ा ही सुंदर श्लोक बहुत गीता का पूर्णतः लागू होता है। आज श्लोक लिखाई देता हूँ, आप लोग पढ़ के आइएगा, कल या परसों जब भी चर्चा होगी तो श्लोक ध्यान रखिएगा।
या पूर्वाभेशन लगा दो। आज श्लोक नोट पर लिख लिया और इस श्लोक का उनकी मृत्यु से और उनके पुनर्जीवित होने से गहरा संबंध है। आप इसको देखिएगा और आप वो भी पूरा अनुभव देखिएगा कि मरने के बाद उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे देखा। अध्याय 6 श्लोक 44 इसको नोट कर लें और पूरा मंथन करके आइएगा, एक एक शब्द इसका पढ़ेगा। अभी खाली बता दें पूर्व अभ्यासेन, यानी पहली बार लगातार कह रहा हूं कि पिछले जन्म की ऋणानुबंधन, पिछले जन्म की अनुरक्ति, तो आज के नहीं करें, पूर्व अभ्यासेन, यानी पिछले जन्म का अभ्यास आपका, तेन एव हेते ही अवसा अपिसा जिज्ञासोपयोग से शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, तो जिसमें अतिवर्तते से ही मैंने वर्ड उठाया, अतिवर्ती उसका नाम नक्षत्रों में रखा है अतिवर्ती, तो यही शब्द लिया था मैंने कि मेरे सामने समस्या एक ही है, चार नक्षत्र ढूंढ लिए मैंने अलग हैं, नाम क्या दिया जाए इनका, तो यहाँ से मुझे हेल्प मिली और नाम रखा मैंने अतिवर्ती नक्षत्र। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग ढंग से और इसके बाद में इसके पुनः से चर्चा करेंगे क्या होता। अब आज छोटी सी घटना बता करके बंद करूंगा कि जन्म से पहले क्या होता, कुछ चर्चा की मैंने मरने के समय की, कुछ मरने की बात की, अब ठीक जन्म से पहले चर्चा करता हूँ, बंद करता हूँ मैं। जन्म से पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ये सुना जाता है और माना जाता है, तो एक एनिमेशन मेरा वीडियो है, वीडियो देख लीजिए, वो थोड़ा इसमें एनिमेशन कुछ एक्चुअल है कुछ एनिमेशन है मिला के बनाया गया, क्योंकि पूरा एक अल्ट्रासाउंड उठा करके और उसको एनिमेट किया गया है ताकि प्रेजेंटेबल हो सके। तो एक बच्चा है माँ के गर्भ में और वो अपने बैठा मुस्कुरा रहा है, ये रियल है, फिर एकदम से रोने लगता है, बहुत ब्लक ब्लक रोता है और इतनी देर माँ कुछ काम करती है मिक्सी पे, उससे बड़ी अरुचि होती है और देखिए बच्चे जन्म लिया वो हाथ क्यों उठाता, रोक दो। तो ये जो लगता है कि हमने कहा था कल कि जो आदिवासी उनके सिंबल, चाहे अरुणाचल को हो चाहे अंडमान को, एक ही सिंबल होते हैं कि खास बात आई, तो जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया वो भी कोई चीज रोकने के हाथ ही उठा रहा है, स्टॉप इट स्टॉप इट, तीन बार ऐसे सिग्नल करता है। तो थोड़ा एनिमेशन है ये, बस 100% रियल नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड लेकर के और जहां जहां पे अल्ट्रासाउंड क्लियर नहीं था उसको एनिमेट करके बना दिया गया है। तो आप पूरा देखिए, आप इसको जैसे लाइट ऑफ करें तो दिख पाएगा, क्योंकि अशोक दिया क्या स्विच लाइट स्विच ऑफ कर थोड़ी देर के लिए दिख रहा है आपको, नहीं शुरू दिखा अशोक फिर से थोड़ा रोज यहाँ पे लाइट भी आपको दी अशोक शुरू दिखा, जो बच्चा मुस्कुराता है वहाँ वापस करो वापस करो वापस करो, अब धीरे वापस करो, अब देखिए इसे बच्चे का मुख दिख रहा है, अगर आपको पीछे दिख रहा है आप सबको, इसे बच्चे का मुख है और आप देखिए दिल, हाँ अब ये देखिए इसके भाव अभी मुस्कुरा रहा है, अच्छा गो बैक एंड लुक देखिए बैठे, फिर थोड़ा भी वापस चलो थोड़ा वापस करो, हाँ अभी देखिए बच्चा अभी शांत मुद्रा में है, मुस्कुरा रहा है मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न मुद्रा में है, अब माँ ने उठाया कोई फल और मिक्सी में डाल रही है, बच्चा इस माँ के गर्भ में है, ये फल मिक्सी में डाल दिया गया, इसकी आवाज़ होना शुरू हुई, अब बच्चा देखिए इसको उत्तेजना होना शुरू हुई है, परेशानी होना शुरू हो गई, अभी संसार से वाकिफ नहीं है, कुछ देखा नहीं, लेकिन इसको ये साउंड अनप्लेजेंट लग रही है। अब उसकी बेचैनी देखिए और बार बार उसको हाथ खाना देखिए बच्चे का, किस बुरी तरीके से वो रो रहा है और रो भी रहा है बुरी तरीके से और हाथ बार बार उठाता है स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट, लेकिन माँ को पता नहीं बच्चा कितना दुखी हो रहा है, वो अपना मक्सी चलाई जा रही है और अल्टीमेटली मिक्सी रुकती, बच्चे मन ऐसी शांति आती है, कितना आनंद आ गया। फिर वीडियो थोड़ा और आगे चलता है और फिर बच्चा अपने बड़े आनंद में मुस्कुराने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद आधा से रोता बुरी तरीके से बिलक बिलक रोता है। तो ये तीन जो उसके हमने पकड़े एक्सप्रेशन, पहला वो जब बच्चा अपने आप से मुस्कुरा रहा है हंस रहा है रादर, एक जब बिना वजह रो रहा है और तीसरा सांसारिक घटनाओं से जिसमें इसका कोई कंट्रोल नहीं है उसे व्यथित हो रहा है और उसको रोकना चाहता है बार बार रोक नहीं पा रहा है, वो बार हाथ उठा उठा रुक जाता है। तो तीन घटनाएं उसकी अलग अलग जो बच्चे बताती है बच्चे के मन से कितना प्रभाव पड़ता है। जो हमारे अब्राहमिकल रिलीजन के लोग हैं जो कहते हैं कोई जन्म और पुनर्जन्म है ही नहीं, तो मैंने उससे प्रश्न किया ये बच्चा माँ के गर्भ में भी है, दुनिया से देखी नहीं, ये किस बात में उसको डरा भी और अभी रो रहा है, आप क्यों रो रहा है, मैंने वीडियो दिखाया उनको और ऐसे हमने कई अल्ट्रासाउंड, पहला नहीं है ये दुनिया का पहला अल्ट्रासाउंड नहीं है, ऐसे और भी बनाए गए जिनमें बच्चा मुस्कुरा रहा है। फिर मैंने आउट ऑफ सीरिया क्यूरियोसिटी बहुत से इकट्ठे किए
और समय देखा बच्चा कभी बहुत मुस्कुराता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। अगर उसने संसार देखा ही नहीं तो किस बात पे रो रहा है, किस बात पे मुस्कुरा रहा है? अवश्य पिछले जन्म कोई संबंध है, जब कोई अच्छी बात याद आती है उसको आनंदित होता है और आनंदित होकर हंसने लगता है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। और जब स्वयं अपनी कोई चीज याद आती, भूल याद आती है, मन में पश्चाताप होता है तो विलख विलख रोता है, मैंने इसी गलती क्यों की, और एक बार अवसर मिल जाए मुझे ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है और जैसे बच्चा माँ को पहचानता है, माँ की गंध से परिचित होता है, और वैसे ही उसकी बुद्धि बदलना शुरू होती है। और थोड़े और आगे बढ़ते जैसे मेरा और तेरा मन भाव आया, बच्चा बदल जाता है, फिर इस माया में पड़ जाता है। लेकिन पैदा होते ही सिर्फ बच्चा एक ही जानता है, माँ और माँ की गंध। एक अभी एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है, न्यूज पेपर रिपोर्ट हुआ था, दो साल पहले तीन साल बाद पुरानी बात, बच्चे को ले गए थे, वो है पांच साल पुरानी, एक बड़ी रियल इंसिडेंट सुना रहा हूँ। एक बच्चे के जन्म देते ही देखा जैसे कि पुत्र है, वो लोग वंश परंपरा के आदि थे, बहुत से खुश नहीं थे, बच्चे को बहुत से छीन लिया गया और दादी को दे दिया गया कि दादी रखे तो मैं रखना नहीं आता। और इसे करते करते विदेश में थी माँ बेटा, बेटे को ही रख लिया और बहू को वापस भेज दिया भारत से। 6 महीने गुजर गए थे, बच्चे के जन्म के बाद से लगातार दादी के पास था, माँ से संपर्क होने नहीं दिया गया, माँ का दूध पिला नहीं दिया गया उसको, बच्चा बीमार हो गया और उसको दिखाने लिए वो इंडिया लेके आए, माँ को अवसर मिल गया, गई और बच्चे को उठा लिया। बच्चा रो रहा बुरी तरीके से, जैसे ही माँ की गंध के करीब पहुंची बच्चा शांत हो गया, और उसके बाद बड़ी कोशिश की कि माँ बच्चे को अलग कर दी, बच्चा अलग हुआ नहीं। तो जिस बच्चे ने जन्म से माँ का दूध नहीं पिया, माँ से बिल्कुल अलग, उसने भी माँ की गंध को पहचान लिया। तो ये एक आत्मीय संबंध अमिकल कार्ड होता है माँ से बच्चे के माध्यम से, वो कहीं छूटता नहीं। तो बच्चा सबसे पहले माँ, उसकी गंध, और उसके बाद में पिता को बाकी संसार जाना शुरू। और जैसे ज्यादा जानता है वैसे वैसे ही माया का बंधन प्रबल होता जाता है, और जो उसका संकल्प था कि माँ के अब की मौका मिल जाए, अब गलती दोबारा नहीं करूंगा, वो संकल्प टूट जाता है और फिर पुनः उसी रास्ते पर के उसी भंवर में घूमता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है बेचारा। और ये सिलसिला लगातार चले जा रहा है, पता नहीं कब तक, कब संयोग जागृत होंगे, कब उसका मन शरीर जागृत होगा और कब इससे बाहर निकलेगा। इसकी भी एक कुंडली है मेरे पास और उसकी चर्चा कर बताऊंगा कैसे इसको आइडेंटिफाई किया, कैसे चेंज हुआ। लेकिन अब 6 बजने वाला है तो गुप्ता जी ऊपर भी आ गए हैं, तो इनके आदेश से अभी समाप्त करता हूँ। प्रश्न उत्तर अभी लेंगे या अपने शास्त्री मिला है? आज के इस द्वितीय कार्यशाला में बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर भी उभर रहे होंगे। सर का कहना है कि अगर आप जानना चाहें तो कुछ प्रश्न कर सकते हैं, कोई अगर जिज्ञासा हो, कोई बात हो, कोई प्रश्न हो। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने है, आनंद आ गया मुझे आपके प्रश्न से। अब मैं चारत को ऐसा प्रश्न करें ताकि इसको उत्तर दे सकूं मैं। एक बार मेरे मित्र हैं डॉक्टर करौली, आप शायद नाम सुनो, आप तो शायद कहीं वृद्ध हो गए हैं, एक जवानी पूरे भारत उनका नाम था, हार्ट स्पेस नंबर 1 थे पूरे भारत में। और उन्होंने यही प्रश्न किया जो आपने किया है, और उन्होंने कहा ऐसा करिए, एक ऐसा मुहूर्त बताइए जिसमें सभी गुण संपन्न, कोई दोष हो ही नहीं, और मेरे घर में एक जन्म होने वाला बच्चे का है, मैं इसका जन्म उसी क्षण कराऊंगा। तो उन्होंने कहा देखिए ये सब जो मुहूर्त होता है ये प्रकृति के मुहूर्त है, किसको कब जन्म मिलना है वो तभी मिलेगा, हम कितना एक प्रयास करने कर लें। वो साइंटिस्ट आदमी मानते गए ऐसे उनका ठीक है, उन्होंने क्या व्यवस्था की, उनका अपना नर्सिंग होम, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 2 जनरेटर लगाए इसके बाद में, और कहा मैं तो बिल्कुल इतने मिनट, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकेंड पे ही इसका जन्म सीजन ऑपरेशन करूंगा। लेकिन आपको विश्वास करना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, संयोग से लाइट चली गई, पहला जनरेटर ऑन नहीं हुआ, दूसरा भी ऑन नहीं हुआ, और 2 मिनट लग गए उसके, फिर सब कुछ सही हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो मैंने कहा प्रभु आप कुछ भी कर ले, हम समझते हैं समय हम निकाल ले, ये सब समय प्रकृति का निर्धारित किया हुआ है, उसको हम कभी बदल नहीं सकते, वो जब होना तभी होगा। कई बार होता है लोग सोचते हैं ऑपरेशन करा लेंगे, खबर आती
पानी अंदर कम हो रहा है, माँ और बच्चे दोनों डेंजर है, अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। कई बार कहते हैं कि अभी कर दो, डिले हो जाता है, लेकिन जो समय निर्धारित है जन्म लेने का, क्योंकि ईश्वर ने टाइम निकाला हुआ, जन्म तभी होगा, आप सब कुछ नहीं कर सकते। कितना ही कोशिश कर देख लिए, और उसके कई और उन्होंने कोशिश की है, हर आदमी फेल हुआ कि जन्म का समय और हमारे जीवन के मुख्य मुख्य माइल स्टोन ये ईश्वर ने पहले तय किए हुए हैं, उनको कोई परवर्ती नहीं। ये हमारे पिछले एक नहीं, पिछले कई जन्मों के ऋणान बंधन से बने होते हैं, और उस ऋणान बंधन अगर भोगना है तो वो समय आना ही पड़ेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। अभी आपको शायद इसको संतुष्ट होने में समय लगेगा, लेकिन एक तो कैसे ट्राई कर देख लीजिएगा, आप मान जाएंगे होता ऐसे ही है। और कोई प्रश्न बताइए जी। आवाज आ रही सर? जैसे सर मृत्यु अगर अकाल हो सकती है, मृत्यु अकाल हो सकती है और अपने टाइम पे हो सकती है, तो मेरा ये प्रश्न है जन्म अकाल क्यों नहीं हो सकता सर? जन्म ही होना चाहिए फिर तो। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न भी किया है, और मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी बात सोची आप। जन्म अकाल इसलिए नहीं हो सकता है कि हम अव्यक्त में प्रवेश कब करेंगे, उसमें कई सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। अभी जो जीवन चल रहा है इसमें हमारे पुरुषार्थ और प्रारंभ लगातार स्ट्रगल चल रही है, लेकिन जन्म में होने में वो स्ट्रगल समाप्त होकर अगला जन्म प्रारंभ होना है, एक नया चैप्टर खुलना है, उसमें ये समस्या नहीं आती। जैसे कि आपकी बात कहूँगा, जैसे आपने यहाँ पर सभी हिंदी भाषी हैं, आपने रामचरितमानस बहुत बार पढ़ी होगी। रामचरितमानस अक्सर कोई समस्या आती है, लोग कहते हैं सुंदरकांड पढ़ लो, आ जाता हूँ ना, लेकिन आप ध्यान देंगे तो बाबा तुलसीदास ने 7 कांड लिखे और 4वां कांड उसमें कौन है, स्कंदा कांड। एक मैसेज दिया है कि मेरी रामचरितमानस की आत्मा कहाँ पे है, स्कंदा कांड, और क्यों है, एक चौपाई से उसके 2 शब्द सुनाता हूँ कि आगे चले बहुत रुराया, आगे चले शब्द आता आगे, दैट मीन एक कोई चैप्टर था उसको फिनिश कर दिया गया है और नया चैप्टर खोला जा रहा है, यानी पुराना अध्याय समाप्त हुआ, एक नई चीज सामने आ रही है, एक नई विधा सामने आ रही है। और फिर राम को क्या जिक्र किया, रघुराया, वनवासी राम नहीं है, तपस्वी राम नहीं है, राजकुमार नहीं है, रघुराया, अथॉरिटी। अथॉरिटी क्यों, ऋषिमुख पर्वत लेकर आया। अब ऋषिमुख पर्वत तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऋषि अमुख, ठीक है, संधि के हिसाब से। तात्पर्य क्या हुआ कि आगे भी कोई ऋषि संतुल्य आदमी बैठा हुआ जो अमुख है, अर्थात वो भी बोलेगा। एक अथॉरिटी इधर जा रही है, एक अथॉरिटी इधर आने वाली, और दोनों बीच वार्तालाप होने वाला है, और वो वार्तालाप ऐसा होगा जिससे आपको ज्ञान की उपलब्धि। That means, जो थ्योरी है पूरे रामायण की वो है स्कंदा कांड में, प्रैक्टिकल मिलेगा सुंदर कांड में। उसी प्रकार से जो आगे आने वाला होता है, एक चीज फिनिश हो चुकी है, अगला जो प्रारंभ होना है वो तय हो गया है कि अब इसको आगे खोलेंगे, लेकिन आगे खोलने के बाद कितनी बार पुरुषार्थ और अपराध टकराएंगे और कहाँ पर रुक जाएंगे अलग चल, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बार खत्म होने के बाद फिर आदमी अव्यक्त में चला गया, और इसका भी मेरे पास एक थोड़ा एनिमेशन है, लेकिन अगर अभी दिखाऊंगा तो फिर समय लग जाएगा, लेकिन ये आपको अगर मुझे परमिट करे इस एनिमेशन को यहीं से कल प्रारंभ करूंगा। और आप सर हमने तो आप कह रहे हैं, हम लोग क्या परमिट सर, जब आप बताएंगे सर अच्छा ही लगेगा। कल पूरा दिखाऊंगा आपको कि मृत्यु के बाद में कैसे कैसे क्या क्या होता है और जन्म से क्या क्या संभावनाएं हैं, वो सभी दिखाते हुए पूरा आपको एनिमेशन कल दिखाऊंगा, और कल यहीं से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सर। सर जैसे आप तो पूरा विश्व लगभग घूमे ही हैं, तो मेरी जिज्ञासा ये थी, मैं भी कई सारी कुंडलियों पर एनालाइज किया हूँ, तो एक जिज्ञासा ये थी कि ऐसा कहा जाता है कि स्थान वशात फलादेशों में अंतर आ जाता है, तो क्या ये सत्य है कि कोई शुभ योग जो है, कोई शुभ योग है, तो इंडिया में उसका अलग प्रभाव देखने को मिले और विदेशों में उसका अलग प्रभाव देखने को मिले, क्या ऐसा संभव है? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मैं कल चर्चा कर रहा था कि आदमी कर्म भोगी है या कर्म योगी है, उससे एक परिस्थिति फर्क जरूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से देश काल और पात्र ये तो रहेंगे, लेकिन योगों का फल नहीं हटेगा। योगों का फल किस प्रकार से मिलेगा, जैसे हम कहें कि जो पुराने जमाने कहते हैं इसके घर पे हाथी बना होगा, बड़ा अच्छा योग कह दिया गया है, आज इसके दरबार हाथी बंधा वो क्या महावत होगा बेचारा, बरातों में जाके बाहर खड़ा रहेगा। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग मत दीजिए। तो ऐसे उत्तम वाहन के योग अगर भारत में है, हम कहेंगे भाई इसने अच्छी गाड़ी ले ली, हीरो होंडा ले ली या सॉरी होंडा सिटी या कोई ऐसी ले ली, अगर अमेरिका में बैठा हुआ है वहाँ पे कहेंगे तो योग छोटा हो गया है, वहाँ पे अगर यही योग फलीभूत होना है तो BMW लेगा आदमी, तब लगे हाँ कुछ बात बनी है।
तो ये देश कालपात के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन को बढ़ा लिए, लेकिन योग तो वही रहेगा। ये कैसे फलीभूत होगा? देखिए, जैसे आपने कहा राजा है, राजा किस क्षेत्र में कह रहे हैं उससे फर्क बहुत पड़ जाएगा। अगर कहीं रिमोट एरिया में जा रहे हैं और वहां का भी गांव प्रधान है, वहां के वही राजा है, लेकिन अगर नेशनल लेवल कह रहे हैं तो राजा का तात्पर्य होगा प्रधानमंत्री, उससे कम नहीं होगा। अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल बात कर रहे हैं तो कलेक्टर वहां के जो है वही राजा हो गया। तो उसी प्रकार से जहां पर खड़े हैं जिस देश काल पात्र में, अगर यहां खड़े हुए यहां के राजा वाइस चांसलर होंगे, मेरे कुलाधिपति होंगे, तो जिस देश काल पात्र में उसको जोड़ते हुए योग देख लिए, योग रहेगा अपनी जगह, फल भी वही रहेगा, लेकिन फल कैसा दिखेगा वो देश काल पात्र पर निर्भर करेगा। ठीक है शिवल, धन्यवाद। आज इस द्वितीय दिवस के कार्यशाला में सर का उद्बोधन बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, अविस्मरणीय भी रहा।